हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आप जरा शालूम के बाल देखिए, हेलो। जरा ये बाल इसके बड़े बड़े हुए हैं, तो बाल बढ़ गए हैं। तो इसकी मोमना कह रही है कि इसकी कटिंग करवा के लाएं, तो आज इसकी जो है वो कटिंग करवाने जा रहे हैं। टाइम तो कितना हुआ है अभी देखें, ये अभी उठा ही है, 2 बजे ये उठा था। और और कम अभी से जो कम टाइम है देखें जी, टाइम हो गया है तीन जी बज के तीन 3 बज मिनट के तकरीबन, कोई 18-19 मिनट हो गए, ये अब उठा है। देखें जा रहा हूँ, तो चलते हैं जी। कुछ तो गाइज, ये हमारी गली है जी, ये गली में शलूम जा रहा है अभी ना, लेकिन मैंने कहा नहीं पैदल ही चलते हैं। तो फ्री अभी हम फायर जो है ये पैदल ही जा गई रहे हैं, गली हमारी बहुत बड़ी है। आ जाओ, वीडियो। ये देखिए जी, ये हमारी गली के बच्चे हैं। ये बच्चे देखिए कैसे खेल रहे हैं, और ये देखिए ये क्रिकेट खेल रहे हैं गली के अंदर जी। यहाँ पे ग्राउंड नहीं है हमारे एरिया के अंदर ना, तो ये देखिए ये गली के अंदर ही क्रिकेट खेल रहे हैं। ये गली के अंदर ही जो है ये अपनी अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये अभी तकरीबन को 3:15 या 3:20 हुए होंगे। तो ये देखिए ये अभी गली के अंदर ही सारे काम कर रहे हैं। ये हमारी गली का बच्चा है जी। ये देखिए ये क्या खेल रहे, क्या बना रहे हो, ये खिलौने बना रहे हो मिट्टी से, ये कैसे बनेंगे? इसको वाले ये देखें जी, ये शॉप है जी बार्बर की, जहाँ से जो है वो शालों में कटिंग करवानी है। अभी चलते हैं इसके अंदर भी, तो देखते हैं कि वो जो बार्बर है वो यहाँ पे बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि है या नहीं है, लगता है कहीं भाई भी घूमने गया। अच्छा, ये नासिर भाई है। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो है बार्बर है जी शालों के, इन्होंने शालों की कटिंग करनी है। सीट पे बैठ गया, देखें ये कितना हरी है कटिंग करवाने के लिए। कपड़ा बुढ़ा तो अभी ये इसकी कटिंग करेंगे, देखते हैं किस स्टाइल की ये कटिंग करते हैं। अभी आप देख रहे हैं इसके बाल कितने बड़े हैं, पिछले वीडियो में जो मैंने चप्पल ली थी उसका हाल आइए देखिए। देखो, जो पिछली वीडियो के अंदर इसने चप्पल ली थी उसका हाल देखें जरा, क्या क्या हुआ इसमें। हम वैसे पैदल ही आए, इसको काफी मिट्टी लगी हुई इसलिए। अभी देखते हैं जी इसकी कटिंग जो है वो कैसे होती है। इसके साथ नासिर भाई से भी कुछ बातें होती जाएंगी साथ साथ। तो नासिर भाई, कौन से स्टाइल की कटिंग करोगे इसकी? यार अपने अपनी मर्जी से कर दो, है अच्छी लगे इसको। ये जी पहले तो पानी लगाएंगे, देखें पानी लगा रहे हैं जी। ये इसकी जो मैम है ना, वो भी काफी दिनों से कह रही थी हमारा भी खाना टाइम नहीं लगता। आपको बताइए ये कितने दफा, ये देखिए ये अभी 2 बजे उठा है, अभी 2 बजे उठा है, तो हम इधर आ गए हैं इसकी कटिंग करवाने के लिए 3 बजे 3 बजे। 1 घंटा। ये नासिर भाई वैसे बहुत अच्छी कटिंग करती है। अच्छा, ये नासिर भाई के ना शागिर्द है, वैसे इनके जो पहले शागिर्द हैं वो ओमान चले गए हैं ना भाई। हाँ नासिर भाई, जी, नासिर भाई के जो पहले शागिर्द थे ना, हाँ वो ओमान चला गया। जी, ओमान जाके उन्होंने अपनी उधर शॉप बनाई है और अपना ही बिजनेस उधर स्टार्ट किया है, किसी के अंडर जी वो काम नहीं कर रहे। तो क्यों नासिर भाई ऐसी है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, ये नया शागिर्द उन्होंने रखा है, खुदा करे ये उससे भी ज्यादा काबिल बने जी। शागिर्द इनके बड़े काबिल होते हैं। क्या नाम भाई आपका? राहुल। राहुल कितने दिन हो गए तुझे? 1 महीना हो गया, इसका मतलब 1 महीने से हम ही नहीं आए, है ना? ये टक लगाया हुआ है इसके। और नहीं, ये टक नहीं लगा हुआ, ये ना स्कूल में ना इसके किसी ने पत्थर मारा था, तो अच्छा वो ना इसके चोट लगी, तो ये डॉक्टर ने जो है ये यहाँ से बाल उतारे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, इसकी उस वक्त हमने वीडियो नहीं बनाई थी, तो यहाँ पे जो है ना किधर लगा होगा, ये हाँ ये देखें, ये सारे बाल इसके दोबारा आए हुए हैं। इसके नीचे जो था ये इसकी इंजरी हुई थी, ये एक बच्चा था स्कूल का, उसने इसके पत्थर मारा सर में। अच्छा, क्या नाम था उसका? साइम। साइम ने मारा था। अच्छा ये देखें जी, अच्छा ये देखें जी, नासिर भाई पहले तो मशीन लगा रहे हैं, और मशीन लगाने के बाद ये पहले नीचे नीचे मशीन, ये कटिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है जी इसकी, ये देखें जी। तो क्या बोलिए, कितनी चीजों से की है तूने, याद रख के क्या करना है तूने है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम शॉप पे ही हैं, ये शोरूम की कटिंग जो है ये चल रही है, देखें जी। तो यहाँ से जो है हम जाएंगे घर, और घर जाके जब ये अपना फ्रेश हो जाएगा फिर इसकी लुक देखेंगे कैसे रहती है, इधर भी इसकी लुक देखेंगे। तो अभी जो है हम शॉप पे ही हैं, तकरीबन कटिंग जो है ऑलमोस्ट हो गई है। तो अभी इसके बाद जो है हमने पैदल ही घर जाना है, पैदल ही, पैदल ही आए हुए हैं। चलो पैदल ही आए ना। हाँ, तो यहाँ पे ये देखें, ये बाहरी रोड के ऊपर आपको गाड़ियाँ गुड़ियाँ नजर आ रही होंगी, और ये साथ में भाई का शागिर्द बैठा हुआ है। तो अभी यहाँ पे कुछ बात हो रही थी, बड़ी मुझे अच्छी लगी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पे ना हम बात कर रहे थे कि इंडिया के अंदर ना जो यूट्यूबर्स हैं ना,
और उनकी जो अवाम है जो लोग है वो बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, तो वो जो सपोर्ट करते हैं ना एक दूसरे को, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, और वो एक एम लेके चले हुए हैं। एम उनका ये है कि जो इंडियन है ना इंडियन, वो दुनिया के टॉप यूट्यूबर बनेंगे। तो इसी के ऊपर बात कर रहे थे, मजीद बात जो है वो नासिर भाई से पूछते हैं, इनके क्या राय है। जी नासिर भाई, तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर, कमेंट कीजिएगा। इंडिया के भाई बच्चे जो है ना, उनके माँ बाप उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, उनके माँ बाप, उनके अपना अजीज, हाँ जी सारे उनके मोहल्ले वाले भी बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये बात है। देखेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा बच्चों के साथ माँ बाप साथ बैठ बताएंगे। हाँ, यही उनकी तरक्की का राज है। इंडियन यूट्यूबर देखिए, मेरा ख्याल है छोटे से छोटा भी यूट्यूबर जो है ना वो लाखों में यूट्यूब से इनकम जो है। ऐसा ही ऐसा ही तो पाकिस्तान, अच्छा ये हमारे जो है ये बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर। जी नासिर भाई, तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर, कमेंट कीजिएगा। इंडिया के भाई बच्चे जो है ना, उनके माँ बाप उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, उनके माँ बाप, उनके अपना उनके अजीज, हाँ जी सारे उनके मोहल्ले वाले भी बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये बात है। देखेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा बच्चों के साथ माँ बाप साथ बैठ बताएंगे। हाँ, यही उनकी तरक्की का राज है। इंडियन यूट्यूबर देखिए, मेरा ख्याल है छोटे से छोटा भी यूट्यूबर जो है ना वो लाखों में यूट्यूब से इनकम जो है। ऐसा ही ऐसा ही। तो पाकिस्तान के अंदर जो ये मेन इशू ये है कि पाकिस्तान के जो आपके लोग हैं ना वो आपके अपने ही सपोर्ट नहीं करते। क्यों भाई, ऐसी है? ऐसा ही ऐसा। हाँ, वो एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करते। अगर आपने किसी से कहा कि चैनल को करवा भी लिया ना, तो वो थोड़ी देर बाद जाएंगे आप उसे फिर उस बार सब कर देते। ये पाकिस्तान के अंदर बड़ा इशू है एक दूसरे की जो हमारे यहाँ। ये तो देखो, ये कटिंग होगी कंप्लीट। अच्छा, ये इसकी कटिंग तो अब कंप्लीट हो गई। क्यों नासिर भाई, ओके है? हाँ जी ओके। ओके चले, ये अभी इसका गला दर्द हो रहा है। अच्छा क्यों? अच्छा ये इससे हो रहा है ना, ये थोड़ा टाइट होगा इसलिए हो रहा है। तो अभी कटिंग इसकी कंप्लीट होगी जी। अभी ये घर जाके नहाएगा तो फिर इसकी देखेंगे। अभी इसकी देखते हैं जी लुक कैसी लगती है। और इधर देखो जरा कैसी लुक लग रही है, शीशे में देख रहे हैं, शीशे में देख रहे हो। चले नासिर भाई, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। ये नासिर भाई बाकी चाय भी लेनी है आपने, ठीक है? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो है वो घर आ गए हैं। इसने रस्ते में से आते हुए जूस लिया और अभी हमने माया ली है। हाँ, और हमने ये स्टार्च भी माया भी ली है। और अभी जो है ये शलूम नहाई नुई करके तो फिर इसकी देखते हैं लुक कैसे लगती है। हाँ भी शलूम नहाई करनी है, ठंडे पानी से करनी है ना। देखिए इतनी गर्मी है और पसीना देखे कितना ज्यादा आ रहा है। तो अभी भी ये कह रहा है मैंने गर्म पानी नहाई करना, लेकिन कहते जाओ जैसे मर्जी गर्म से नहाना तो ठंडे से ही है ना। तो गाइस ये देखें जी, शलूम ने नहाई नुई कर ली है। अब इसकी लुक देखें आपको कैसी लग रही है। तो अभी तो वैसे ये खूबसूरत लग रहा है, पहले बालों के साथ इतना नहीं लग रहा था। तो अभी जो है ये रेडी हो गया जी अपनी अकेडमी में जाने के लिए। तो अभी मैं इसको अकेडमी छोड़ने जा रहा हूँ, तो अकेडमी इसको छोड़ के आता हूँ जी, उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। तो शलूम किधर से आए हो? ट्यूशन से। अकेडमी से आए हो? हां जी। अच्छा, पकड़ लो बैग तो भाई। सो बैग है, 2 किलो का तो बैग है भाई। भाई 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 तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हम जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।